राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के सजन से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद से धरना आयोजित कर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर अवगत कराया जाता है कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आगामी 25 दिसंबर 2020 को समाप्त होने जा रही है। इस अल्पावधि में दो ग्राम प्रधानों को बहुत सा कार्य जनहित में करना आवश्यक है। इसी बीच उत्तर प्रदेश शासन के आए दिन नए नए शासनादेश आए एवं उसका कड़ाई से जिलाधिकारी महोदय द्वारा पालन कराने हेतु दबाव बनाने से समस्त ग्राम पंचायतों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसका शीघ्र निस्तारण करना आवश्यक है। जिसके संबंध में ज्ञापन के बिंदु निम्न है। आगामी 25 दिसंबर 2020 को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत यदि समय से चुनाव कराना संभव न हो तो बढ़े हुए कार्यकाल का प्रशासक वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही मनोनीत किया जाए। यदि एडीओ पंचायत को प्रशासन बनाया गया तो संगठन इसका हर स्तर पर विरोध करेगा। ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान द्वारा पूर्व में कराए गए निर्माण कार्य जिसका भुगतान अवशेष है उसका 15वें वित्त आयोग की धनराशि से भुगतान कराने के बाद ही सामुदायिक शौचालय पंचायत भवन आदि बनाने पर दबाव बनाया जाए, जिसका जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया जाए 5 नवसृजित नगर पंचायत में शामिल ग्राम पंचायतों को 25 दिसंबर 2020 तक ग्राम प्रधान के सभी अधिकार बहाल रखे जाएं। जहां पूर्ण रूप से नगर पंचायत अपना कार्य नहीं कर रही हो, छोटी ग्राम पंचायतों को सामुदायिक शौचालय अथवा पंचायत भवन निर्माण हेतु बाध्य न किया जाए। पंचायत सशक्तिकरण मुख्यमंत्री पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों को शीघ्र धनराशि उपलब्ध कराया जाए। निष्पादन अनुदान फॉर्मेंस ग्रांट वर्ष 2016-17 जिन ग्राम पंचायतों को दिया गया वहां मॉडल डीपीआर निरूपण तथा जनपदों में उत्पन्न भ्रम को तत्काल दूर किया जाए ताकि उसका लाभ ग्राम पंचायतों को मिल सके। अतः संगठन आपसे सादर अनुरोध करता है कि जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन पर तत्काल कार्रवाई करने हेतु सक्षम अधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करें। संगठन सदा आपका आभारी रहेगा। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह। किस संबंध में? प्रत्येक सचिव हूँ राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश का। किस संबंध में आप लोग ज्ञापन देने? ज्ञापन हमारा है जो हमारी पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खराब हो रहा खत्म हो रहा है, उसके बाद में नए कार्यकारी बनाए जाने हैं, जिसमें मैं चाहूंगा कि हमारे ग्राम प्रधानों को या तो चार्ज उन पर रहने दिया जाए या फिर समय से चुनाव कराया जाए, जो कि शासन की मंशा मुझे नहीं लगता कि समय से चुनाव कराने की है। इससे हम लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे लंबित भुगतान काफी दिनों से पड़े हुए हैं, इसके लिए कोई ग्रांट नहीं आ रही है और हम लोगों ने काफी पिछले समय में भी आंदोलन किया और उस आंदोलन के बाद भी कोई जू नहीं रेंग रहा है और पैसा तो कहीं से मिल नहीं रहा। ऊपर से दबाव बराबर बनाया जा रहा है कि आप सार्वजनिक शौचालय बनाइए, आप बाउंड्री वाल बनाइए या मनरेगा से भिन्न भिन्न प्रकार के पंचायत भवन हैं, इस तरीके के कार्य हैं वो कराए जाएं। तो मैं ये चाहता हूँ प्रशासक नियुक्ति की जो व्यवस्था चल रही है वो प्रशासक नियुक्ति में प्रशासक नियुक्ति न करते हुए हमें एक्सटेंशन दिया जाए, हमें हमारा कार्यकाल या तो बढ़ाया जाए या समय से चुनाव करा दिया जाए। मेरी मांग तो ये है मैन कि समय से चुनाव कराए जाए, हमारे ऊपर कोई प्रशासक न थोपा जाए, हमारी ग्राम पंचायत के कार्यों को अवरुद्ध न कराया जाए।